हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो वट इज द यूज़ ऑफ हैड एंड टेल फंक्शंस इन अ डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम में हेड एंड टेल फंक्शन का क्या यूज है ओके okay, तो फर्स्ट वी हैव द हेड फंक्शन द हेड फंक्शन इज यूज टू फैच फर्स्ट एन रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम हैड फंक्शन का क्या यूज है इसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम के स्टार्टिंग की मतलब डेटा फ्रेम के टॉप से ठीक है क्या कर सकते हैं एंड रोज़ को फैच कर सकते हैं फैच मतलब उनको एक्सेस कर सकते हैं एन का मतलब जितनी आपने स्पेसिफाई की उतनी ठीक है आपने टू रोज स्पेसिफाई की तो आप टू रोज को फैच कर सकते हो ओके okay? आपने थ्री रोज को स्पेसिफाई किया तो थ्री को फेच कर सकते हो फेच को फेच का मतलब होता है एक्सेस करना लेना ओके okay? फाइन अब इसका सिंटेक्स क्या है डेटा फ्रेम डॉट हैड और हेड फंक्शन में आप क्या पास करोगे एन डेटा यहाँ पे डी एफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम है ओके ओके डेटा फ्रेम का नेम डॉट हैड फंक्शन और हेड फंक्शन के अंदर आप एन एन क्या है आप पास करोगे की कि कितनी रोज आपको चाहिए फाइन और यहाँ पे जो रोज आएंगी वो कहाँ से आएंगे टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी मतलब डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग से आएंगी टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी ओके okay? इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन देन हैड विल रिटर्न फर्स्ट फाइव रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम अगर आप एन की कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होगा स्टार्टिंग की जो फाइव रोज़ हैं डेटा फ्रेम की वो डिस्प्ले हो जाएंगी ओके okay? स्टार्टिंग की जो फाइव रोज हैं वो आ, क्या आप क्या कर सकते हो हेड फंक्शन की हेल्प से उनको एक्सेस कर सकते हो फेच कर सकते हो एंड यू कैन डिस्प्ले देम, ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है डी थ्री हमारा डेटा फ्रेम है जिसका नेम है डी थ्री डॉट हैड और हैड में हमने पास कर दिया थ्री फाइन तो यहाँ इसकी फर्स्ट थ्री रोज जो है वो क्या है डेली मुंबई कोलकाता तो यहाँ पे देखो आपका एग्जाम्पल आ गया है यहाँ पे फर्स्ट थ्री रोज आ गई है आपकी डेटा फ्रेम की डेली मुंबई कोलकाता राइट फर्स्ट थ्री को फर्स्ट थ्री रोज यहाँ पे एक्सेस हो गई हैं ओके और अगर यहाँ पे आप थ्री नहीं देते राइट ये एम होता एन की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता तो स्टार्टिंग की फाइव रोज अगर डेटा फ्रेम में फाइव रोज हैं तो फर्स्ट फाइव रोज डिस्प्ले हो जाती ओके नेक्स्ट वी हैव टेल फंक्शन टेल फंक्शन का क्या यूज है द टेल फंक्शन रिटर्न लास्ट एंड रोज अ डेटा फ्रेम टेल फंक्शन क्या करता है डेटा फ्रेम के बॉटम से जितनी भी रोज आप डिफाइन करोगे उतनी रोज को वो डिस्प्ले कराता है ठीक है मतलब एंड ऑफ डेटा फ्रेम के अंदर जो जितनी भी रोज को आप डिफाइन कर रहे हो पास कर रहे हो टेल फंक्शन के अंदर उतनी रोज को वो क्या करेगा डिस्प्ले करा देगा फाइन तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है डी एफ डी एफ के आर डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल और टेल फंक्शन के अंदर आप वैल्यू uh, पास करोगे एन एन मतलब आप वन अगर वन आपको रो चाहिए वन पास कर दो टू आपको थ्री रोज चाहिए थ्री पास कर दो लाइक दिस ओके इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर द देन टेल फंक्शन विल रिटर्न लास्ट फाइव रोज ऑफ द डेटा फ्रेम अगर आप टेल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो क्या करेगा वो ला डेटा फ्रेम की बॉटम से क्या करेगा आपको फाइव रोज डिस्प्ले करा देगा ठीक है आप फाइव रोज बॉटम से फाइव रोज को डिस्प्ले करा देगा मतलब डेटा फ्रेम की एंड से फाइव रोज डिस्प्ले करा देगा फाइन अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है डी टी एफ सी डी टी एफ सी क्या है डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल टेल फंक्शन है उसमें पास करा दिया टू राइट right? तो यहाँ पे देखो डेटा हमारे डेटा फ्रेम में फोर रोज हैं तो लास्ट की टू रोज़ क्या है कोलकाता एंड चेन्नई फाइन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है कोलकाता एंड चेन्नई आपके पास टू रोज आ गई हैं कोलकाता एंड चेन्नई ओके okay? okay children now we will meet in next video with next topic of data handling using pandas one okay till then keep studying all the best for your exam preparation be safe be happy and subscribe my channel for more useful videos